धनतेरस पर हापुड़ के बाजारों में हुई जमकर खरीदारी। नमस्कार, मैं हूं तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं खबरवाला 24। धनतेरस पर मंगलवार को कारोबार चमक गया। लोग सुबह से ही बाजारों में पहुंचकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते बाजार गुलजार हैं और खरीदारों की भीड़ बाजार में उमड़ रही है। बर्तन, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल समेत सभी बाजार में व्यापारी गदगद नजर आ रहे हैं। धनतेरस पर हापुड़ के बाजारों में कई करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए सुबह से ही लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। नगर के पुराने और प्रसिद्ध बाजारों में शामिल कसेरट बाजार, कोठी गेट, सराफा बाजार, बजाजा बाजार, मंडी पाटिया, छोटी मंडी, बड़ी मंडी, गोल मार्केट, गांधीगंज में ग्राहकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, वैसे ही ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। लोगों ने कसेरट बाजार में स्टील, तांबे समेत अन्य धातुओं के बर्तनों की खरीदारी की है। इसके अलावा टीवी, फ्रिज, बाइक से लेकर कार तक के अलावा सराफा बाजार में भी खूब रौनक नजर आ रही है। बाजारों में मेला सा नजर आ रहा है। ऑफर्स के चलते खरीदारों की चांदी हो रही है। अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है हापुड़ के व्यापारियों का। सुबह से ही रौनक है मार्केट के अंदर। पैर रखने की जगह नहीं है, सभी जगह खरीदारी चल रही है। कॉस्मेटिक, डेकोरेशन, आतिशबाजी नहीं है इस बार, लेकिन आज बात आतिशबाजी की जगह लोग और डेकोरेशन की खरीदारी कर रहे हैं। कपड़े गारमेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है। आगे और भी मैरिज का सीजन चल रहा है, तो इस बार दीपावली में पिछले साल की तुलना अच्छा व्यापार है, अच्छा बिजनेस है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी अरोड़ा है। अच्छा, किस चीज़ की शॉप है आपकी? मेरी फैंसी ब्राइडल क्लच, फैंसी पर्स, बैंगल बॉक्स, मेकअप किट, ये सब चीज़ें मेरे उसमें आती हैं, फैंसी ड्रेसेस। अच्छा, जैसे आज धनतेरस का त्यौहार है, बाजार की क्या स्थिति है? बाजार की बहुत बढ़िया स्थिति है, काफ़ी अच्छा कस्टमर निकल रहा है, बहुत अच्छा क्लाइंट है मार्केट में। रौनक है बाजार में? बहुत बढ़िया रौनक है बाजार में। बहुत बढ़िया रौनक है, काफ़ी अच्छा स्कोप है काम में। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले लोग खरीदारी कर रहे हैं? सब भैया त्योहारों के टाइम पे सब करते हैं, तो खरीदारी सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा निकल रहा है काम। ऐसा कुछ नहीं है कि काम में कोई कमी है। अच्छा, ये बताइए, धनतेरस का त्यौहार है, बाजारों में क्या रौनक है, क्या स्थिति है? देखिए, धनतेरस का त्यौहार, दिवाली का जो सीजन जो आता है, तो सभी लोगों को उम्मीद होती है कि लाइफ में उनके कुछ अच्छा हो, और भगवान को मनाने के लिए ये त्यौहार आते हैं, और हमें इसी के लिए काफ़ी क्रेज रहता है लोगों को। तो जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि बाजार में रौनक बहुत है पहले के मुकाबले, जबकि जानते हैं आप सोना चांदी बहुत चरम सीमा में पहुँच चुका है। चांदी का रेट 1 लाख रुपये करीब हो रहा है और सोने का रेट 81,000 पहुँच रहा है, लेकिन फिर भी लोग भाव को ईश्वर को मनाना है तो चांदी का सिक्का, मूर्तियाँ और जो भी कोई रिंग वगैरह खरीदना चाहें, क्योंकि एक बेहतर इन्वेस्टमेंट आपका गोल्ड में है। गोल्ड सिल्वर इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग देख ही रहे हैं उस चीज़ के चक्कर में रौनक बहुत है। काफ़ी डेकोरेशन लोग बाग कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए एक दूसरे के साथ इंसान कनेक्टेड है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार। गौरव जी, आज धनतेरस है, बाजार की क्या स्थिति है? बाजार में बहुत ज़्यादा खुशहाली है, आज बहुत ज़्यादा रौनक है। पिछला जो सीजन करवा चौथ का गया है, उससे ज़्यादा और ज़्यादा उत्साह है आज। आज धनतेरस का त्यौहार है, बहुत बाजार में भीड़ है, काफ़ी उत्साह है। अच्छा, बहुत अच्छा माहौल रहा आज का, काम भी बहुत अच्छा है आज का, बहुत खुश हैं दुकानदार, व्यापारी लोग सब खुश हैं, बहुत बढ़िया काम है आज। क्या नाम है आपका? दीपक कपूर, कपूर सन ज्वेलर्स। अच्छा, जैसे आज धनतेरस का त्यौहार है, बाज़ारों में क्या स्थिति है? बहुत भीड़ है और बहुत अच्छा है कि धनतेरस आया है, लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं, बहुत उत्साह से कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा है जो लोगों का ये दिवाली हर किसी के लिए एक शुभ हो। हर साल के मुकाबले इस साल क्या है? इस साल ज़्यादा रौनक है बाजारों में, भीड़ दिखाई दे रही है, भीड़ बहुत दिखाई दे रही है।